डिप्रेशन आज के ज़माने में बहुत ही कॉमन बीमारी है। तो आइए आयुर्वेद के आचार्यों के साथ जानते हैं कि डिप्रेशन क्या होता है और क्यों होता है। विषाद BAMS आयुर्वेदा का एक टॉपिक। वेलकम टू डेंटल एंड आयुर्वेदा, अ चैनल फॉर बेसिक डेंटल एंड बेसिक आयुर्वेदिक साइंसेस। एंड आज का हमारा टॉपिक है रोग निदान विकृति विज्ञान का विषाद। बिफोर यू प्रोसीड, I would like to thank you all for your support. And इस chapter के ready to read notes available हैं हमारे Instagram page पे, जिसका link given है description box में. So do go there and follow us. Hello दोस्तों and welcome back to our channel. दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं विषाद रोग के बारे में. विषाद रोग एक मनोवय स्रोतस की व्याधि है. अगर आपको मनोवय स्रोतस का परिचय जानना है तो आप उसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं. दोस्तों विषाद रोग को मॉडर्न में डिप्रेशन से रिलेट करते हैं. अब डिप्रेशन जो है वो एक मूड डिसऑर्डर होता है जो कि परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस और लॉस ऑफ इंटरेस्ट को कॉज करता है. इसका अर्थ यह है कि लगातार जब हम दुखी रहते हैं या फिर कोई भी रुचि नहीं रहती किसी भी चीज़ में, और वो जो फीलिंग है वो बहुत लंबे समय तक चलती है, तो इसे ही मॉडर्न में हम डिप्रेशन कहते हैं. तो दोस्तों आइए देखते हैं विषाद रोग के बारे में. इसका परिचय यह है कि इसमें रोगी सदैव तनावग्रस्त और निराश प्रतीत होता है, और तनाव अधिक समय तक बने रहने पर निराशा मानव मस्तिष्क पर स्थिर हो जाती है और उससे विषाद उत्पन्न होता है. दोस्तों यहाँ पे एक बात नोट कीजिए कि सदैव तनावग्रस्त और निराश जब रोगी लगता है तभी हम कह सकते हैं कि उसे डिप्रेशन है. अगर थोड़े टाइम के लिए ही कोई व्यक्ति निराशावादी है तो उसे हम विषाद रोग से पीड़ित नहीं मानेंगे. दोस्तों यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम विषाद की प्रारंभिक अवस्था में ही उसे पहचान लें और उसकी चिकित्सा कर दें, जिससे कि आगे अगर उसके परिणाम है वो दुखद ना हो. क्योंकि अगर इसकी स्टेजेस बढ़ती हैं तो यह अत्यंत कष्टप्रद और घातक हो सकता है. अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विषाद रोग के प्रमुख निदान कौन से हैं. फर्स्ट इस बाल्य अवस्था, मतलब कि छोटेपन में ही माता पिता की मृत्यु हो जाना. सेकंड है पुरुष का सदैव नकारात्मक सोचना, मतलब कि अगर वो हमेशा नेगेटिव ही सोचता है तो. थर्ड है गंभीर व्याधियां जैसे कि हृदय रोग या मधुमेह आदि से अगर वो ग्रसित है, पीड़ित है, तो भी उसे डिप्रेशन हो सकता है. या फोर्थ है वंशानुगत कारण, मतलब कि हेरिडिटरी कॉज. फिफ्थ है रोगी की आवश्यकता के अनुसार सुविधाओं का अभाव. अगर रोगी को जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो भी नहीं मिल रही हैं तो इससे भी डिप्रेशन हो जाता है. सिक्स्थ है सामाजिक सहयोग का अभाव. अगर सोशल सपोर्ट किसी व्यक्ति को नहीं मिलता है तो यह भी एक विषाद का कारण बन जाता है. सेवेंथ है शारीरिक संबंधों का अभाव. सो अगर कोई पर्सन सेक्सुअली एक्टिव बहुत टाइम के लिए नहीं है तो भी इससे डिप्रेशन आ सकता है. एट्थ है व्यवसाय में हानि, मतलब कि ट्रेड करने में अगर बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है तो. और लास्ट है नाइन्थ कि अनेक प्रकार की औषधियाँ जैसे कि रक्तचाप करने की औषधियाँ या स्टेरॉइड्स का लंबे समय तक लेना. तो दोस्तों अगर ब्लड प्रेशर को कम करने की औषधियाँ और जो स्टेरॉइड्स हैं उन्हें हम बहुत टाइम तक क्रॉनिक लेते हैं तो इससे भी डिप्रेशन उत्पन्न हो जाता है. अब दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं कि विषाद रोग के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं. तो दोस्तों विषाद रोग के प्रमुख लक्षण इस प्रकार है. पहला है किसी कार्य में रुचि नहीं होना. जब व्यक्ति कोई भी कार्य इंटरेस्ट से नहीं करता है तो यह है विषाद का लक्षण होता है. सेकेंड है रोगी हमेशा उदास रहता है. थर्ड इज रोगी अपने जीवन में अकेलेपन की अनुभूति करता है, उसको ऐसा लगता है कि वह अकेला है. फोर्थ इज भूख में अत्यधिक कमी या अत्यधिक वृद्धि होना, या तो भूख बहुत ज़्यादा लगती है या भूख बहुत कम लगती है उसे. फिफ्थ है नींद में अत्यधिक कमी अथवा वृद्धि होना, नींद में या तो बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा नींद आती है. सिक्स्थ है मन की एकाग्रता में कमी, जो हमारा अटेंशन स्पैन होता है कि हम किसी चीज़ पे कितनी देर तक फोकस कर सकते हैं वो कम हो जाता है. सेवेंथ है निर्णय लेने में कठिनाई, मतलब कि हम डिसीजन पावर जो है हमारी वो कम हो जाती है,
एट्थ है शिराशूल मतलब कि हेडेक। सेवेंथ है कामेच्छा कम होती है, अर्थात हमारी जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो कम हो जाती है। टेंथ है मन में बार बार आत्महत्या के विचार आना, मतलब कि सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ जाती है और ऐसा रोगी को लगता है कि वह सुसाइड कर ले। इलेवेंथ है रोगी अकर्मण्य और आलसी हो जाता है, मतलब जो रोगी है उसका कोई भी काम करने में मन नहीं लगता और वह आलसी रहता है। तो दोस्तों यह था विषाद का व्याधि परिचय, प्रमुख निदान व उसके प्रमुख लक्षण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हमें कमेंट बॉक्स में ये बताना मत भूलिएगा कि आपको कौन सा ऐसा टॉपिक है जो समझ नहीं आया और हम आपको समझा सकते हैं अपनी वीडियोस के थ्रू।